वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6. यर अगेन आई हैव केम विथ अनदर सब्जेक्ट फ्रॉम योर इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑन फ्रंट ऑफ यू एंड कम टू लेसन नंबर. लेसन नंबर 2.3 एंड पेज नंबर इज 29. A wall magazine for your class. So, a wall magazine for your class. Now, you know what is magazine? What is magazine? जहाँ पे आप कुछ एडवर्टाइज करते हो. ओके, हम कभी कभी स्कूल में आपने देखा रहेगा कि हम बैनर लगाते हैं, बैनर चिपकाते हैं वॉल्स के ऊपर, हम थॉट्स लिखते हैं किसी चीज़ के ऊपर. तो ये सारी चीज़ जो है जो हम क्लासरूम के अंदर फ्लॉट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ मैगजीन. ओके, नाउ लुक इन योर टेक्स्ट बुक. स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स्थ अ बबल्ड विथ एंथुजियाज्म ऑल द टाइम. एंथुजियाज्म यानी हमेशा वो कुछ ना कुछ नए करने का टेक्निक ढूंढते रहते हैं और हैप्पी रहते हैं. बी इट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट होने दो, हॉबीज और स्टडीज़, वो कुछ ना कुछ नया तरीका कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हॉबीज़ में होने दीजिए, स्पोर्ट्स फील्ड में होने दीजिए या रिलेटेड टू स्टडीज़ होने दीजिए. दिस ईयर दे सरप्राइज द रेस्ट ऑफ द स्कूल बाय ब्रिंगिंग आउट अ वॉल मैगजीन. अब ये ईयर जो है उन्होंने क्या किया, सरप्राइज कर दिया सारे अदर स्कूल्स को वॉल मैगजीन का थीम रख के. द आइडिया बिकेम सो पॉपुलर दैट सून देर वर यूनिक वॉल मैगजीन इन ऑलमोस्ट एवरी क्लास इन अ स्कूल. अब ये जो टॉपिक है इतना पॉपुलर हो गया कि हर एक क्लास में मैगजीन्स लगाना इम्पॉर्टेंट हो चुका था. यानी आप उनके स्कूल के अंदर हर एक क्लास में आप जब जाओगे तो वॉट यू विल सी अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैगजीन्स ओवर देयर. ओके, and exactly that was the theme of these students. This is what class 6th A did to plan and prepare their wall magazine. First, the students and class teacher of 6th A bought several children magazine and pages of children section in periodical and newspaper to the classroom. अब मैगजीन का जो फर्स्ट थीम क्या होता है, यू हैव टू कलेक्ट द प्रॉस्पेक्टस. वॉट इज़ द प्रॉस्पेक्टस? यू हैव टू कलेक्ट द मैगजीन के जो कटिंग्स रहते हैं, इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आता है या कोई भी स्टडीज़ के मटेरियल के ऊपर कुछ बात आती है, स्कूल्स के ऊपर कुछ बात आती है, तो वो सारे पेपर्स जो है कटआउट करके हम प्लेस करते हैं. ठीक है, दे स्टडीड द कंटेंट टू सी वॉट ऑल वॉज इंक्लूडेड इन द मैगजीन. अब वो कंटेंट पूरा जो मैगजीन के अंदर वो पेपर कटिंग्स के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके बारे में वो स्टडीड करते हैं कि वो किस बारे में लिखा हुआ है, क्यों, बेस्ड ऑन वॉट थिंग दे हैव प्रिपेयर्ड दिस, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, ये सारे चीज़ उसमें पढ़ा जाता है. There was a tremendous variety. Like stories, poem, puzzle, riddles, craft ideas, informative articles, interesting tidbits of information, jokes, board games, book reviews, quizzes. Quizzes means बहुत type of quizzes पूछा जाता है, question पूछा जाता है उसमें. Study tips, health tips and even recipes. ओके, ऐसे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैगजीन्स थ्रो आउट होता है. इन इवन यू विल गो थ्रू अ न्यूज़पेपर, यू विल फाइंड मैनी ऑफ द टॉपिक्स इन दिस वे. देर वेर ऑल्सो कॉलम्स अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, डाउट एंड प्रॉब्लम. इवन न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐसे कॉलम्स होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स का डाउट लिखा जाता है, इवन डाउट के साथ उसकी वो प्रॉब्लम्स का आंसर भी वहाँ पे प्रोवाइड होता है.
अब जैसे आपने देखा होगा कि मेरे ही चैनल में आई एम प्रोवाइडिंग यू अ नोट्स, ठीक है। अगर वो नोट्स के ऊपर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको पूछना है, व्हाट यू विल डू, यू विल राइट अ व्हाट कमेंट्स। अब कमेंट्स बॉक्स में क्या लिखते हो, आपके कमेंट्स लिखते हो, आपके क्वेश्चंस क्वेरीज लिखते हो, और वो क्वेरीज का रिप्लाई हम टीचर्स आपको ऑन अ कमेंट बॉक्स देते हैं। उसी की तरीके से मैगजीन का जो थ्रो आउट होता है वो भी इसी ऐसा रहता है। आफ्टर स्टडिंग ऑल द मटेरियल एंड डिस्कशन वॉज हेल्ड इन क्लास टू चूज द सेक्शन फॉर देयर ओन मैगजीन। अभी ऐसा नहीं है कि हमने 10-12 मैगजीन्स कलेक्ट किया, न्यूज़पेपर कटिंग किया और 10-12 पूरा का पूरा हमने टॉपिक डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। 10 और 12 मैगजीन्स पेपर अगर आप कलेक्ट करते हो या न्यूज़ कलेक्ट करते हो, उसमें तो हार्डली हम 3 से 4 टॉपिक पिकअप करते हैं मैगजीन्स के लिए, क्लासरूम मैगजीन्स के लिए, नॉट अदर मैगजीन्स। देर वुड बी सेपरेट टीम फॉर ईच इशू, हर एक इशू के लिए सेपरेट टीम बनाया जाता है। जैसे स्टडीज़ के ऊपर से सेपरेट टीम बनाया जाता है और उनको एक टॉपिक दिया जाता है कि यू हैव टू कम्प्लीट विथ दिस टॉपिक, और एक ग्रुप जो है उसको स्पोर्ट्स का टॉपिक दिया जाता है, और एक ग्रुप को रेसिपीज का टॉपिक दिया जाता है। इस तरीके से हर एक ग्रुप को, इवन वन ग्रुप को क्लीनलीनेस टॉपिक दिया जाता है। तो इस तरीके से हर एक ग्रुप को अलग अलग मैगजीन थ्रो टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है, और उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करके एक पर्टिकुलर मैगजीन क्लासरूम के लिए बनाया जाता है। दे वुड बी सेपरेट, ओके, आफ्टर स्टडिंग ऑल द मटेरियल द डिस्कशन वॉज हेल्ड इन अ क्लास टू चूज सेक्शन फॉर आवर ओन मैगजीन। इट वॉज डिसाइडेड दैट देर वुड बी अ लास्ट 4 इशूज ऑफ मैगजीन, देर वुड बी सेपरेट टीम फॉर ईच इशूज, द टीम वुड हैव एन एडिटर, 1 or 2 सब एडिटर, एलिस्ट्रेटर यानी आर्टिस्ट एंड राइटर। अब मैगजीन ऐसा ही नहीं है कि न्यूज़पेपर से कट आउट किया और आपने स्टिक कर दिया, दैट इज़ नॉट अ मैगजीन। यू हैव टू कट द न्यूज़पेपर कटिंग्स, आपको वो पढ़ना है, उसके ऊपर से आपको मैगजीन चार्ट पेपर में ड्रॉ करना है, थॉट्स लिखना है, उसके ऊपर कंटेंट लिखना है। यू हैव टू प्रोवाइड अ आर्टिस्ट फॉर्म इन दैट एंड देन एक ब्यूटिफुल मैगजीन प्रिपेयर होता है। Anyone in the class could send contribution to the issues. The editor would select the article to be included and their discussion would be final. Thus, there would be 4 different teams to work on a 4 issues. The column regular future in all 4 issues were planned with the help of a class teacher. Apart from the editorial team, more groups were made to run columns like craft idea, recipes, I need help, science corner, etc. It was the job of this group, the collection material from their respective column. With the teacher's help, a prominent place were fixed to display the magazine in the classroom. अब ऐसा नहीं है कि आप मैगजीन प्रिपेयर किया और कहीं पर भी आपने स्टिक कर दिया, आपका एक पर्टिकुलर प्लेस टीचर की हेल्प से बनाया जाता है। जैसे फ्रंट ऑफ द क्लासरूम, फ्रंट वॉल ऑफ द क्लासरूम, वहाँ पे पूरा मैगजीन्स लगाया जाता है ताकि पेरेंट्स आए, टीचर्स आए या नन ऑफ द स्टूडेंट्स आए, वो मैगजीन पढ़ सके, देख सके, या स्कूल के अंदर कोई गेस्ट आए तो वो मैगजीन को देख सके। The long discussion was held to choose a good name of a magazine. अब magazine के लिए एक particular good name based on the topic, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि magazine, जैसे sports के ऊपर magazine है तो sports के ऊपर हमने सिर्फ sport का magazine लगा दिया, draw कर दिया, content लिख दिया, हो गया। Not like that. You have to write the moral of the magazines. Even you have to write the topic. ब्यूटिफुल नेम दैट अट्रैक्ट द पीपल, ओके, लोगों को अट्रैक्ट करे, ऐसा आपको
मैगजीन बनाना है। अब बच्चों देखो, आप जब कोई मूवी में जाते हो, कोई किड्स मूवी आता है, अभी जैसे लायन किंग आके गया, आपने देखा होगा लायन किंग का मूवी, तो दैट वाज अ मूवी ऑफ अ लायन, ठीक है, प्लस अ कप्स, उसके बच्चे, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट साउंड दिया गया था, ठीक है। अब वो पिक्चर ऐसे ही अगर थ्रो आउट करते तो क्या वो पिक्चर चलती? नहीं चलती। उस पिक्चर को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, टॉपिक दिया गया। व्हाट्स द टॉपिक? वाज इट वाज द लायन किंग। सुनने में कितना मतलब अच्छा लगता है कि समथिंग इज लायन के बारे में उसमें दिखाई देगा, या लायन के बारे में हमें पता चलेगा, आपको एक्साइटमेंट रहता है ना कि यस वो पिक्चर में कुछ ऐसा रहेगा जो हमारे नॉलेज के लिए अच्छा है। तो उसी तरीके से मैगजीन के लिए भी एक ब्यूटीफुल प्रिपरेशन एंड अ मॉरल प्लस अ टॉपिक यू नीड टू कंप्लीट अ फुल मैगजीन। अंडरस्टूड? सो यू हैव टू प्रोवाइड अ गुड नेम। आर यू टेम्प्टेड टू डू समथिंग सिमिलर फॉर योर ओन क्लास? नाउ आई होप सो इवन आप अपने क्लास के लिए भी ये मैगजीन्स थ्रो आउट करोगे या बनाओगे घर पे बैठे। अभी जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के वजह से ऑल द स्कूल्स आर स्टिल क्लोज, तो आपके लिए ये एक प्रोजेक्ट हो जाएगा जो आपको मैगजीन्स बनाना होगा। वॉट आर यू वेटिंग फॉर? गो अहेड ऑन द नेक्स्ट फ्यू पेज यू विल फाइंड सम स्पेसिमेन फ्रॉम अ वॉल मैगजीन ऑफ स्टैंडर्ड 6A. We are sure you can create even more interesting page if you use your own idea and talent. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जोक्स का फॉर्म दिया है, एक चार्ट पेपर में अलग अलग जोक्स लिखा हुआ है प्लस उसको ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पे फर्स्ट जोक क्या लिखा है मैगजीन में? टीचर्स, वाली, वाई आर यू रे लेट, यानी टीचर पूछ रही है वाली को कि तुम लेट क्यों हो गए। वाली ने क्या आंसर दिया? द ट्रेन हैड अ फ्लैट टायर, यानी ट्रेन का जो टायर था वो फ्लैट हो गया। अभी ट्रेन का टायर कभी फ्लैट होता है? लाइक अ जोक इटसेल्फ। ओके, व्हाट आर द थ्री वर्ड्स मोस्ट ऑफन यूज बाय स्टूडेंट? अब जो थ्री वर्ड्स है एवरी टाइम स्टूडेंट्स बोलते हैं, व्हाट वाज दैट? टीचर आस्क्ड अ क्लास। अब टीचर ने पूरे क्लास को पूछा कि ऐसा तीन वर्ड क्या है जो आपके मुंह में ऑलवेज रहता है। The only answer is I don't know, sees a student. अभी कोई भी student, ये आपके साथ भी होता है जब मैं आपको कोई question raise करती हूँ, पूछती हूँ, तो always आपका answer क्या होता है? I don't know. ठीक है, तो इसी तरीके का jokes यहाँ पे released किया गया। There Coral, said the teacher. That's correct. अभी यहाँ पे टीचर ने क्या आंसर दिया है? दैट्स करेक्ट। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछे तो उनका पूरा ऐसा माइंड के ऊपर से, सर के ऊपर से चला जाता है और उन लोग एक ही क्वेश्चन आंसर देते कि मिस वी डोंट नो। व्हाई डिड द टीचर वेयर सनग्लास? अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन जोक्स में दिया हुआ है। टीचर सनग्लासेस क्यों लगाती है? बिकॉज ही स्टूडेंट वेयर सो ब्राइट। क्यों लगाती है? क्योंकि उनके बच्चे जो है क्लास के वो बहुत ब्राइट है, उजाला है वहाँ पे, इसके वजह से टीचर्स को सनलाइट सनग्लासेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज जस्ट अ रीडल, हाँ, जस्ट अ जोक। नाउ नेक्स्ट वन, टीचर इज आस्किंग, हाँ, आई विश यू डिड पे अ लिटिल अटेंशन। अब टीचर कभी स्टूडेंट को क्या बोलती है मैं सोचती थी कि थोड़ा बहुत आप अटेंशन लगाते तो आप काम अच्छी तरीके से कर सकते थे। तो इसमें इंग्लिश में बताया गया, आई विश यू वुड पे अ लिटिल अटेंशन। तो स्टूडेंट ने आंसर क्या दिया? आई एम पेइंग अ लिटिल अटेंशन एज पॉसिबल। स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया? मैं थोड़ा थोड़ा अटेंशन तो करते ही रहता हूँ, फिर भी मैं मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैगजीन में क्या लिखा है जोक्स के मैगजीन में? डैड, हाउ डिड यू फाइंड योर मैथ्स एग्जाम? अब डैड ने क्या बोला सन को? हाउ डिड यू फाइंड योर मैथ्स एग्जाम? तुम्हारा मैथ्स का पेपर कैसा गया? अब सन ने क्या आंसर दिया? अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन लॉस्ट, कि मैं
खुद को भूला नहीं मैच करते करते, तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ जोक. ओके, तो दीज आर द